अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा किचन में है जी पहला दिन। आज हम किचन में ना पहली रेसिपी बना रहे हैं। और रेसिपी क्या बना रहे हैं, हमने कहा पहले मतलब किचन में पहली दफ़ा हमारी रेसिपी बन रही है और कुछ खास होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं जी फिश फ्राई। मसाला जो है ना, ये मसाला नहीं बल्कि सारा मटेरियल जो है ना मैंने फिश के लिए मंगवा लिया है। बच्चों को मैंने नहा के ना फ्रेश कर दिया था। और हमारे यहाँ गर्मी भी सबसे पहले आती है और अगर सर्दियाँ हैं ना तो सर्दियाँ भी सबसे पहले हमारे यहाँ आती हैं, क्योंकि सारा ओपन इलाका है ना। और जैसे हवा चलनी ड्रक जो है ना, मतलब हवा लगती है और फिर जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा फील होती है। इसलिए मैं बच्चों को ना अभी से गर्म कपड़े पहनाना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी जी, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि मेरे किचन आप लोगों को कैसा लग रहा है। थोड़ी बहुत ही बस सेटिंग मैंने की है, कुछ खास नहीं हुई है। वही गमले हैं जो उधर रखे थे, मैंने यहाँ पे रख दिए हैं क्योंकि इनके लिए न्यू चीज़ें लेकर आनी हमारा न्यू है किचन। सब कह रहे थे बहन भाई, ये कह रहे थे कि आपने ये दीवार बहुत छोटी रखी है। पहले वाली जो है ना दीवार बड़ी थी। एक तो दीवार हमने छोटी इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे ना मतलब आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ पे मर्द या फिर इतने ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ जब काश्त होती है ना फसलों की तब जो है ना बस होता है। मतलब औरतों ने काश्त करनी होती है या फिर भाइयों ने यहाँ पे काम करना होता, नहीं तो मतलब 24 घंटे यहाँ पे कोई मर्द नहीं आता या फिर कोई इस तरह का नहीं होता। और हमारा दूसरा मकसद ये था छोटी दीवार रखने का कि पीछे से ना व्यू आप लोगों को प्यारा प्यारा आए। मतलब चारा बीजा जाएगा, आलू बीजे जाएंगे, प्यारी प्यारी फसलें आप लोगों को नज़र आती रहें और दिमाग बंदे का फ्रेश रहता है। इसलिए हमने दीवार छोटी रखी है। तो आपने ये भी बताना है, वैसे हमें परेशानी तो लगी थी जब आपने कहा, लेकिन हमने ये सोच समझ के दीवार जो है छोटी रखी थी, मतलब ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बाकी जो टाइम जो है ना बहुत कम है और अभी रेसिपी करते हैं जी स्टार्ट। बच्चे जो है तरीके ले जा रहे नेशनल वालों का है फिश फ्राई मसाला। हमारे पास 1 kg फिश है, 1 kg जो है ना मैंने फिश ले ली है। और अभी ये मसाला जो है ना बिस्मिल्लाह ऊपर डालते हैं। इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती है, कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जी 2 अदद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं लेमन। उसके बाद जी 1 teaspoon जो है ना मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। मसाला जो ज़्यादा था ना वो मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि हम इतनी ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसी नहीं बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चों ने भी खानी है और मेरे बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, खेल रहे हैं। अगर आप चाहें तो 1 kg में आप सारा जो है ना मसाले वाला डिब्बा इसमें डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कम से कम आप इसे आधा घंटा तो लाजमी रखें और मैं भी इसे आधा घंटा मैरिनेट के लिए रखूँगी। एक एक पीसेस को है ना सारा मसाला लगा लेंगे।
तो जी आधा घंटा हो गया मछली को मैरिनेट किए हुए। वैसे तो आप इसे ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक तो टाइम कम था और बस मैंने इसे आधा घंटा ही सिर्फ रखा है। उसके बाद जी कढ़ाई में डालते हैं घी। बिस्मिल्लाह। दोपहर को वैसे हमने खाना खाया था इसलिए बड़े आराम से लगे हुए। शाम तो वैसे हो रही है, अंधेरा जो है ना आहिस्ता से छा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस है तो अब फिश ही खानी। शहजाद साहब को आज बड़ा जो है ना वो शौक लगा कि मैंने आज फिश खानी। फिश पे ना मैंने बाद में लगा दिया था बेसन और खुश्क धनिया जो है ना वो वाला पहले लगाना। बेसन जो है ना मैं भूल गई थी। बेसन लगाने से ये है कि मसाला जो है ना वो सारा उतरता नहीं है, तो इसलिए मैंने साथ ही लगा दिया था, फिर सीम जो है ना नहीं ले सके। घी को हम तब तक गर्म करेंगे जब तक इसके बुलबुले जो है ना ये इतना बंद नहीं हो जाते तब तक। और माशाल्लाह जी शाम का व्यू जो है ना बहुत प्यारा हमारे घर को होता है। और आज मेरा पहला दिन है किचन में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से और मेरे सलाह की करम नवाजी की वजह से हुआ कि आज मैं न्यू किचन में बैठी हूँ। आप सब घी जो है ना गर्म हो गया, अभी सबसे पहला पीस डालते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात के साथ घी गर्म होना, तो खास तौर पर बच्चों को इतना बड़ी दूर कर देती हूँ ताकि निकलना साफ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहला फूड जो है ना वो हमारा हो गया फ्राई। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। लुक जो है ना बहुत प्यारी आई है, वहाँ पे धुएं में नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहीं यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। लाइन देखी सबसे पहले तो कैसे स्टेप वाइज उन्होंने लाइन बनाई है, और दूसरा आज पिज्जा जो है नहीं हमारे मेहमान है। अब ये चिकन नहीं है जो आप खुद खा लेंगे, ठीक है ना। ये किसने खिलानी है? पापा ने खिलानी है आपको। इसमें कांटे होते हैं, इस मछली में ना कांटे होते हैं, और ये आपके पापा आपके एहतियात के साथ खिलाएंगे। हाँ जी दो दो पाओ दो
लूडो पाओ, लूडो, लूडो, एक एक ले जाओ, ये ठंडी करके खाओ। बच्चे जो है ना अपना हिस्सा लेके चले गए, लेकिन मैंने शहजाद साहब से कहा जैसे ठंडी होती है ना आप खुद ही नहीं खिलाएं, खिलाइएगा। और अभी जी दूसरे जो है ना पीछे से मैंने डाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी फिश मैंने फ्राई कर ली है, और थोड़ी सी दिखाती हूँ फाइनल लुक उसकी, क्योंकि अभी तक जो है ना इसका मैंने डेकोरेट नहीं किया, ये देखें। और साथ जो मैंने शहजाद साहब के लिए बनानी है सिर्फ दो रोटियाँ, अभी ही शहजाद साहब जो है ना वो गए हुए थे यहाँ से दही लेने के लिए और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, क्योंकि मछली की बात तो ज़रूरी हो जाती है। और अभी रखते हैं जी तवा, और तवा जो है ना मुझे लगता है कि न्यू लाना पड़ेगा, तवा मैंने धो के रख दिया है। और अगर हमारा शहर चक्कर लगा ना, ये वैसे वजनी काफ़ी है, पता नहीं इसका कलर जो है ना ख़राब हो गया, वैसे ये मतलब जो है ना बिल्कुल भी नहीं उतरता, रोटी साथ नहीं लगता, इस तरह हो गया, पता नहीं अगर चक्कर लगा तो फिर नहीं लेकर आएंगे, जल्दी चक्कर लगा तो। इसे मैंने पहले धो के रख दिया था। और अभी बनाते हैं जी आटा, मैंने थोड़ा सा गूंदा था, रोटी बना लेते हैं, हो सकता है शहजाद साहब डिमांड कर दें रोटी की। अब्दुल्ला मेरे पास खेलता रहा पहले, और अब्दुल हादी आज सो गया, क्योंकि अब्दुल हादी सारा दिन आज उन्होंने आराम नहीं किया, सारा दिन खेल रही हैं वो। आज हमारे भी वैसे मट्टी से जो है ना छुट्टी थी और उनकी भी छुट्टी थी, तो आज मैंने काफ़ी रेस्ट किया है सारा दिन, मतलब फर्स्ट टाइम भी हमने व्लॉग नहीं बनाया, तो सेकेंड टाइम बस स्टार्ट किया, वो भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। रोटी रोटी बनाने लगी हूँ मैं, आपने बनानी है? हाँ। आप कैसे बनाएंगे? हाँ। आप कैसे बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे? हाँ। जैसे मैं बना रही हूँ? हाँ। बनाओ, कैसे बनाओगे? हाँ। ऐसे? हाँ। अच्छा जी। भाई सो गया? हाँ। भाई सो गया? हाँ। आपने नहीं सोना? नहीं। क्यों? नहीं। सो जाओ आप भी। इन्होंने फिश जो है ना सबसे पहले खा ली थी, और शीजा को ना शीजा सब छोड़ के आ गए हैं घर, क्योंकि
क्योंकि रात हो गई थी और बच्चे जो है ना वो सारा दिन भले खेलते रहे खुश रहते हैं, लेकिन जैसे रात होती है उन्होंने रोना स्टार्ट कर देना होता है। तो शीजा जो है ना जैसे मतलब अंधेरा छाया वो परेशान हो गई थी कि मुझे घर छोड़ कर आए, और इन्होंने भी अपना हिस्सा खा लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्क बीबी की ना चटनी इतनी मज़े की बनती है, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, ज़्यादा मैंने नहीं तोड़ा क्योंकि इसके पास खुशबू ही हमने रायते में लानी है, और ये किसी पुदीना से कम नहीं है, उससे भी ज़्यादा जो है ना ये अच्छी होती है। सब बहन भाई कहते हैं कि इसकी चटनी बहुत मज़े की बनती, तो आज हम भी ट्राई करते हैं। वैसे पहले दफ़ा जो है ना मैं फिश के लिए जो रायता बनाते हैं ना उसमें पहले दफ़ा डाल रही हूँ। ये क्या गिराया, क्या गिराया ये आपने? सारी चीज नीचे गिरा के बैठे हो ना, सारी चीज नीचे गिरा के बैठे हो ना। चलो बैठ सो। और यहाँ पे जी हमारी फिश, आमीन कर लो अब्दुल्ला, आमीन। चलो करो आमीन। ये किसकी रोटी? चल मैं क्या हूँ आपको। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह मछली इतनी मज़े की बनी है ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। खाना जो है ना वैसे हम इकट्ठा खाएंगे,
सिर्फ आपको खुश करने के लिए मैंने खा दिया, क्योंकि सब कहते हैं कि आप जो है ना मतलब हमें खा के भी दिखाया करें। हमारे पास स्टैंड भी नहीं है, कोई फर्द भी नहीं है, अब्दुल हादी सो गए नहीं तो उसे पकड़ा देते और फिर हम दोनों खा लेते और साथ में ब्लॉग बना लेते। तो जी ब्लॉग करते हैं एंड, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें अपने नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।